हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिण्या रियल व्लॉग में आपका स्वागत। कैसे हो आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मेरा काम खत्म हुआ है, ऑलमोस्ट सभी काम, क्लीनिंग वगैरह सब खत्म हो गई। तो आज मैं सोच रही थी फ्रिज साफ कर देती हूँ। फ्रिज में एक्चुअली कुछ बिखर गया था, तो फिर भी समय भी हो गया, कुछ 2-3 हफ्ते से हो गए और मैंने सफाई नहीं की फ्रिज की बिल्कुल भी, और टाइम नहीं मिला कुछ तो मुझे। तो मैंने सोचा कि क्लीनिंग कर देती हूँ फ्रिज की, तो फिर चलती हूँ मैं किचन में। एंड सब्जी तो मैंने मतलब बनाने के लिए रख दी है, उसे समय लगेगा वो बनने के लिए। एंड तो फिर मैं फ्रिज का सब सामान निकाल दूंगी और वो आपको दिखाऊंगी फ्रिज की क्लीनिंग में कैसे करती हूँ। एंड वैसे लेमन तो है नहीं, बट लेमन होता है ना नींबू, उससे रगड़ते हैं थोड़ा, कुछ भी स्पॉट्स होते हैं एंड पानी में डाल लेते हैं क्लीनिंग के लिए, फ्रिज के क्लीनिंग के लिए तो बहुत अच्छा रहता है। बट है नहीं था नींबू, तो कोई नहीं, मैं ऐसी कर लूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या करती हूँ। और ये रही मेरी गुड़िया खड़ी है, ये रही, हेलो बोलो, डांस कर रही है। ये कुछ स्टिक ले, मैं अपने फ्रिज की हालत दिखाती हूँ। वाकई काफी गंदा हो गया है, अब समय हो गया इसे, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं साफ नहीं कर पाई। तो मैं दिखाती हूँ आपको, दे देखिए क्या हुआ। ये दही का गिलास रखा था और ओजस कुछ रख रहे थे, ये बिखर गया पूरा अंदर तक, देख सकते हो अंदर तक पूरा बिखर गया ये। तो अब मुझे इसकी सफाई करनी है सारी। बाकी सब चीज़ें मैंने कमी रखी है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है, थोड़ा सा दूध रखा है इसमें। और सब्जियां हैं, तो सब्जियां कुछ मैंने अभी बाहर रखी, इसके अंदर नहीं रखी, निकाल दी थी। और ये है एरिया, इसमें मैं अपने DIY जो होते हैं मेरे स्किन केयर के कुछ वो रखती हूँ। ये कोकोनट ऑयल है और ये जम गया है, इसमें जम जाता है। और ये फेस पैक पाउडर है, ये सैंडलवुड का है, अल्फा गुडनेस का। और ये रखा है इसमें, और ये बहुत सारी चीज़ रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए गंदा हो गया काफ़ी, तो मैं इसकी सफाई करती हूँ, सब चीज़ों को निकाल लूँगी। और ये इधर का एरिया है, यहाँ कुछ धनिया, टमाटो केचप, कुछ दलिया, कुछ सूखी चीज़, कुछ अदरक वगैरह, कुछ केचप के पाउच वगैरह सब रखे हैं इधर इस साइड। तो देखिए ये देख सकते हो आप, ये आते हैं, ये उसमें आते हैं, जैसे सूट साड़ी होती है तो उसके अंदर लगे आते हैं, तो मैंने इसको काट कर यहाँ पर बिछा रखा है जिससे कि ज़्यादा दाग धब्बे ना लगे, और यहीं पर लगे जो भी लगना है गिरे। और नीचे भी इस तरह का लगा रखा है मैंने, और ऊपर का दिखाती हूँ आपको, ऊपर का कुछ ऐसा है हाल। ये कुछ कप्स रखे हैं जो कि जिसमें आइसक्रीम बनती है, और ये कुछ सूखे मसाले रख रखे हैं, मैं इसमें रख लेती हूँ, काफ़ी समय तक चल जाते हैं, कुछ पाउच वाले मसाले होते हैं तो इसलिए। और सिकंजी का पाउडर वो है पैकेट, तो ऊपर की भी कुछ ऐसी हालत है। ये मलाई निकालती हूँ, उसका है ये बाउल। और चलो जी सफाई करते हैं अब इसकी। तो मैं सब चीज़ों को निकालती हूँ बारीक, पहले इसको निकाल लेती हूँ। इसमें आटा है लगा हुआ, यहाँ सब्जी बन रही है, सब्जी आज बन रही है, एक मिनट आपको दिखा दूँ मैं। ये रही सब्जी, तो ये आलू सेम की फली बन रही है, तब इसको समय है बनने के लिए। एंड मैं ये सब चीज़ें निकाल लेती हूँ, अब मैं सब चीज़ें निकालती हूँ। अभी देख सकते हो मैंने यहाँ टब ला के रख दिया है, तो टब में सब चीज़ें निकाल दूँगी एंड थोड़े थोड़े से गर्म पानी में मैं इन्हें धोऊंगी, तो और अच्छे से पूरे दाग धब्बे निकल जाएंगे। तो वैसे तो मैं अक्सर वो ले लेती हूँ नींबू होता है लेमन, तो लेमन का रस मिला लेती हूँ पानी के अंदर, गुनगुने पानी में। वन सेकेंड, एक हाथ में फ़ोन है ना तो इसलिए निकल गया। तो गुनगुने पानी में मिला लेती हूँ नींबू वगैरह, पर वो है नहीं तो कोई नहीं, मैं गुनगुने पानी में थोड़ा सा गुनगुने पानी में जो हमारा वॉशिंग पाउडर है उसको मिलाकर ही और सब चीज़ों को वॉश करूँगी अच्छी तरह से। और स्क्रबर का यूज़ नहीं करूँगी मैं, कपड़े का यूज़ करूँगी, जो किचन का कपड़ा है उसको इसमें डाल लूँगी एंड उससे रब करूँगी। और स्क्रबर यूज़ नहीं करती क्योंकि इसमें निशान आने का डर होता है, तो इसलिए सब चीज़ों को मैं बाहर निकाल लेती हूँ। ये देखिए सब्जी अभी ली थी मैंने, बाहर ही रखी है वो, एंड सब चीजों को निकाल लेती हूँ। और हाँ जी, ये देख सकते हैं आप, ये मैंने मीशो से मंगाए थे, तो इसको करीब 2 साल से ज्यादा हो गए और काफी अच्छे हैं ये, तो अब तक चल ही रहे हैं ये, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देखिए करीब से देखिए
दही बिखर गई तो पूरा रायता फैल गया। कहते हैं ना रायता फैल गया सारे में, तो बस वही हुआ है। तो फ्रेंड्स, तो सभी चीजें मैंने बाहर निकाल कर इसमें रख दी है टब में, एंड बाहर लेकर जाऊंगी, बाहर खुले में मतलब साफ करूंगी। पानी बाहर की, पानी की सप्लाई बाहर है ना इसलिए, एंड सब चीजें बाहर हो गई हैं। और ये देख सकते हो आप, ये पूरे DIYs है। एक सेकंड मैं फ्रिज बंद कर देती हूँ, कि ओपन है फ्रिज तो एक बंद हो गया। और ये देख सकते हो, ये पूरे DIYs है मेरे जो यूज में लेती हूँ मैं। एंड ये पतंजलि का एलोवेरा जेल, इसको भी फ्रिज में। एंड ये खाली है, ये आई थिंक उसका गुड वाइब्स का था, और ये भी गुड वाइब्स का खाली कैन है। और इसमें भी थोड़ा सा एलोवेरा जेल बाकी है, और ये खाली एक मटकी है, बिल्कुल खाली है। तो कुछ चीज़ें ऐसे ही रखी हैं इसमें मैंने, और सब चीज़ें एक साइड में निकाल दूंगी। एंड इसको भी ले लेती हूँ मैं, सब साफ करना है मुझे ये। तो मैंने ये भी सब चीजें निकाल दी हैं यहाँ से भी। ये देखो मम्मा ने क्या करा है, हम इसके अंदर घुस जाएं नहीं? तो ये भी आ गई है ना, बड़ी खुशी होती है। सामान कुछ फैलता है ना, सारा सब कुछ देखो यहाँ रख दिया है मैंने। देखो ये गंदगी फैली हुई है चन्नू की, देखिए गाइस क्या फैला हुआ है। तो चलो मैं अब चलती हूँ बाहर सब चीजें लेकर। फ्रिज क्या कर दिया है मम्मा ने, सारा क्या कर दिया बेटा, मैं सफाई कर रही हूँ। इसको फेंक देना। नहीं बेटा ये तो कुछ काम नहीं आती है, तो ऐसे ही रखा। तो मैं अब चलती हूँ सब चीजें बाहर लेकर। फ्रेंड्स, तो यहाँ सब्जी भी बन गई है, इतने मैं सब चीजें निकाल रही हूँ बाहर। और ये रेडी हो गई सब्जी, मैं इसको ढक दूंगी, रोटियों के लिए अभी समय है। तो ये मैंने छोटी बाल्टी ले ली है, इसमें मैं गर्म पानी डाल रही हूँ जो कि ये गीजर से निकला हुआ है। एंड तो इसमें मैं थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर डाल दूंगी, और गर्म पानी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो पहले मैं फ्रिज के अंदर की क्लीनिंग कर लूंगी। मैंने ये वॉशिंग पाउडर डाल दिया इसमें, एंड ये छोटा सा मैंने कपड़ा लिया है जो कि कॉटन का है, और इससे सफाई करने वाली हूँ, तो इसको भी डाल देती हूँ इसमें। और देखती हूँ कितना पानी चाहिए मुझे। तो फ्रेंड्स, ये ले लिया मैंने पानी, और इस गर्म पानी में मैं थोड़ा सा नमक डाल लेती हूँ, सादा नमक है। तो ये डाल लिया मैंने इसमें, और मैं अब स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग। कि मैंने थोड़ा सा स्टूल ले लिया छोटा बैठने के लिए, ये रहा कपड़ा एकदम से गीला करके इन्होंने पहुंच लिया है। और स्टार्ट करती हूँ क्लीनिंग। फ्रेंड्स, तो हमारे फ्रिज को हो गया समय, लगभग हो गया हमारे फ्रिज को समय सात साल हो गए करीब, और 7 साल हो गए इस फ्रिज को। अब भी इतना क्लीन रखा है मैंने, बस करती रहती हूँ जल्दी क्लीनिंग। बट अब वीडियो का कुछ काम रहता है, तो जल्द नहीं मिलता मुझे टाइम, तो कर लेती हूँ फिर भी। तो उसे तो गंदा नहीं होने देती, सेफ्टी रखती हूँ इसकी बहुत। एक बार मैं इसका जो ये पानी है इससे कर दूंगी अच्छी तरह से, फिर एकदम क्लीन पानी लेकर आऊंगी और जब करूंगी इसको, पहले मैं अच्छी तरह से पूरा कर देती हूँ। तो नीचे का तो हो गया पूरा, अब मैं ऊपर का कर लेती हूँ, फिर क्लीन पानी से पूरा कर दूंगी। देख सकते हो ये अभी मैंने कर दिया है, बट अभी क्लीन पानी लेकर आऊंगी और उससे करूंगी पूरा एकदम साफ। देख सकते हो कितना क्लीन हो गया फिर। तो पूरा मैंने एकदम क्लीन पानी से क्लीन कर दिया है, देख सकते हो ये रहा पानी। और मैं दिखाती हूँ आपको, अब देखिए एकदम साफ हो गया, फ्रेश हो गया एकदम। एकदम चला देती हूँ पहले, देखिए कितना चमक गया। तो अब मैं जो इसके प्लेट्स हैं, जो भी ट्रे हैं, वो सब साफ कर लेती हूँ।
फ्रेंड्स, तो हमने इसमें गर्म पानी मिला लिया है, देखते हैं सब में। और अब मैं इनको वॉश करना शुरू करूँगी। और फिर मिलती हूँ आपसे। ये मैंने स्क्रबर नहीं लिया, कपड़ा लिया है, कपड़े से साफ करूँगी इसमें डालकर इस तरह से। तो मैं सब चीज़ों को साफ कर लेती हूँ। एंड जी मैंने वॉश करके रख दी हैं, तो थोड़ा सा पानी निकल जाएगा इनका अच्छी तरह से, हवा लग जाएगी कुछ देर तक, तो फिर बाद में मैं फ्रिज में लगा दूंगी। और देख सकते हो पूरा धुल के रख दिया मैंने, यहाँ ये कप्स भी धो दिए गई हैं अच्छी तरह से। अब मैं सब चीज़ों को लगा देती हूँ इसमें, और सब्जियाँ भी रख दी है मैंने, और सब चीज़ों को लगा देती हूँ मैं। सभी चीजें लगा दी है मैंने अच्छी तरह से, और आपको दिखाती हूँ एंड बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं सब चीजें। देखो ये रख दिया मैंने, इसमें मलाई रखी है और जिससे घी बनाते हैं, और ये सब चीजें लगा दी मैंने यहाँ पर, और पूरा क्लीन हो गया फ्रिज एकदम, बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग जरूर कमेंट करना अगर कोई क्वेश्चन है आपका। यहाँ टमाटो केचप और यहाँ पर ये सब चीजें, और ये अदरक और आटा का आटा रखा है इसके अंदर, मला हुआ आटा। और इसके अंदर मैं रखती हूँ अपने जो फेस पैक वगैरह मेरा जो भी होता है स्किन केयर का कुछ सामान, वो रखती हूँ, तो वो मैं बाद में रख दूँगी। यानी इसमें सब्जी रखी है और रख देती हूँ, दूध बाहर रखा था, वैसे तो अब सर्दी है इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता, बट फिर भी अब ये रख दिया मैंने और सब चीज़ें हो गई। आपने देख लिया मैं अपने फ्रिज को कैसे क्लीन करती हूँ, और मैं इस ब्लॉग को यहाँ लास्ट करती हूँ। एंड फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसी ही हंसती मुस्कुराती। और ये आप देख सकते हो पूरा हट गया, ये इधर का बाकी रहा है और वो उधर रख दिया है मैंने, ये देख सकते हो पीछे ऊपर। तो वो होते ना छोटी छोटी गिट्टी सी आती हैं, वो आएंगी ना तब लगवाऊंगी, यहाँ पर फिलहाल मैंने ऐसे रख दिया तय लगाकर। और इस ब्लॉग को लास्ट करती हूँ, प्यार देना हमारे इस ब्लॉग को। और मैंने यहाँ बंद बना रखा क्योंकि बाल खुलते हैं ना, और जो स्वेटर वगैरह होते हैं उन पर चिपक जाते हैं बाल, तो बहुत टूटते हैं, तो इसलिए मैंने बंद बना रखा है, आज खुले नहीं रखे। और फ्रेंड्स फिर मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड बाय बाय।